हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल। देखिए, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल ये तीनों कहलाते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब पहला प्रश्न ये बनता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जैसे एक रिएक्शन है H2 plus I2 is giving 2HI. अब इस रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन और आपका प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनाए, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट H2 plus I2 आपस में कंबाइन हुए और उससे बन जाएगा HI। यहाँ पे पहले पुराने वाले बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और फिर नए वाले बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, मतलब ये आपके रिएक्टेंट्स हैं जिसमें H और H के बीच का बॉन्ड है, I और I के बीच में बॉन्ड है। अब धीरे धीरे H और H के बीच का बॉन्ड डिसोशिएट होना स्टार्ट होगा, I और I के बीच का बॉन्ड डिसोशिएट होना स्टार्ट होगा, एट द सेम टाइम H और I के बीच बॉन्ड बनना शुरू होगा, H और I के बीच बॉन्ड बनना शुरू होगा, राइट। और फाइनली H और H के बीच का बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, I और I के बीच का बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा और H और I के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं और ये जो स्टेट है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में आपको देखने को मिली, इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरमीडिएट। दोस्तों, दिस इज इंटरमीडिएट। ओके, बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन तरह के इंटरमीडिएट होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोकेटायन, सेकेंड वन इज कार्बोएनायन एंड थर्ड वन इज फ्री रेडिकल्स। अब हम तीनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, कार्बोकेटायन वो इंटरमीडिएट्स होते हैं जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट जिनमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। अब देखिए, कार्बोकेटायन कितने टाइप्स के हो सकते हैं और कैसे बनते हैं। तो मान लीजिए कार्बन के सामने एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो जब यहां पे बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, तो वो इस तरह से ब्रेक होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास और इसके बाद फॉर्मेशन होगी, कार्बन अलग हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव और कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन दूर हट गए तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो उस पर नेगेटिव आ गया और कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन दूर गए तो उस पर पॉजिटिव आ गया। तो ये जो चीज बनी है दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन। तो हमने समझा कि कार्बोकेटायन कैसे बनता है, जब कार्बन के सामने एक इस तरह का एलिमेंट हो जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और वहां पर एक ऐसा क्लीवेज हो जिस क्लीवेज में दोनों इलेक्ट्रॉन चल जाए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में, तो उस पर आ जाएगा माइनस, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव और कार्बन कहलाएगा कार्बोकेटायन, राइट। इस तरह के क्लीवेज को हम लोग नाम देते हैं हेटरोलाइटिक क्लीवेज। हेटरो मतलब होता है डिफरेंट, तो यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न में क्लीवेज हुआ है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्स पे गए हैं और कार्बन से दूर हो गए हैं, राइट। अब टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन पे आते हैं। अब देखिए, अगर कार्बन केवल हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो या फिर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक कार्बन से कनेक्टेड हो तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन वो कार्बोकेटायन होते हैं जिनमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन या तो सिर्फ हाइड्रोजन से कनेक्टेड है या फिर केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो पहले वाले केस में सिर्फ हाइड्रोजन है और दूसरे वाले केस में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ऐसे केस में ये कहलाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो अगर 2 कार्बन से कनेक्टेड हो, जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है 1 एंड 2, तो दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है अगर वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो इट इज कॉल्ड एज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, राइट। तो ये तीन तरह के टाइप्स होते हैं, एक तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब यहां पर हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी।
दोस्तों स्टेबिलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी स्पीशीज के ऊपर चार्ज है तो फिर वो अनस्टेबल होती है, और कोई भी किसी भी तरीके से अगर उसके चार्ज को कम कर रहा है इसका मतलब उसको स्टेबल बना रहा है। तो यहां पर तीनों चारों जगह पर आप देख रहे हैं कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बन अनस्टेबल है। अब अगर कोई आके उस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर दे तो फिर उस कार्बन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक बात है। तो यहां पर ये जो CH3 ग्रुप आप देख रहे हैं हर जगह, इस CH3 ग्रुप का एक स्पेशल इफेक्ट होता है जो है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब यह है कि कहीं भी अगर CH3 ग्रुप लगता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करता है अपने सामने वाले एटम की तरफ। मतलब यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये CH3 यहाँ पे लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ पुश करेगा, ये वाला CH3 भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ पुश करेगा, ये वाला CH3 भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ पुश करेगा। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा बट हल्का सा पुश करेगा टुवर्ड्स द फ्रंट कार्बन। तो यहां पर ये तीन CH3 वन टू एंड थ्री, ये तीन CH3 कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहे हैं, और अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो उसका ये पॉजिटिव चार्ज पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस वाले केस में ये दो CH3 हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट करके उसको स्टेबल बना रहे हैं उसके चार्ज को कम करके। यहाँ पर एक ही CH3 है जो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करके उसके पॉजिटिव चार्ज को हल्का सा कम करके उसको स्टेबल बना रहा है। अब हम डायरेक्टली ये सोच सकते हैं, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है तो हम डायरेक्टली ये सोच सकते हैं कि क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन में तीन कार्बन के प्लस आई इफेक्ट के कारण कार्बन का पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कम हो रहा है एज कंपेयर टू अर्लियर्स, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर 2 डिग्री में इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज दो CH3 कम कर रहे हैं, सही है। तो ये 3 डिग्री से लेस स्टेबल है बट 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 1 डिग्री में सिर्फ एक कार्बन है, यहां पर दो है और यहां पर तीन है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, और लास्ट में बेसिक CH3 प्लस है। ओके, दिस इज द स्टेबिलिटी। दोस्तों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से समझें, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे होंगे जिसमें से एक होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन और दूसरा होगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो हम फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन पर फोकस करके उसको आगे लेकर रिएक्शन करेंगे, क्योंकि यहां हम ये सीख रहे हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम आते हैं कार्बोएनायन पर। अब सेकेंड हम देखते हैं कार्बोएनायन। देखिए कार्बोएनायन की फॉर्मेशन कब होती है, जब कार्बन के सामने एक ऐसा बंदा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो। तो ऐसे केस में जब हेटरोलाइटिक क्लीवेज होता है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाते हैं, और इससे फिर जो इंटरमीडिएट बनता है उसमें कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस पर नेगेटिव और सामने वाले पे पॉजिटिव आता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्बोएनायन। और ये भी बनता है हेटरोलाइटिक क्लीवेज से। और दोस्तों टाइप्स इसके भी वैसे ही हैं, 1 डिग्री कार्बोएनायन जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो एक कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बोएनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो दो कार्बन से कनेक्टेड है, और 3 डिग्री जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो तीन कार्बन से कनेक्टेड है। तो मैं तीनों बना देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो दिस इज 1 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोएनायन, एंड दिस वन इज 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि जिस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो तीन कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए हो गया 3 डिग्री। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी में हमारा रूट लॉजिक वही है कि अगर एक कंपाउंड पे चार्ज है तो वो अनस्टेबल है, अब अगर कोई भी उसके चार्ज को बढ़ा रहा होगा तो वो उसको और ज्यादा अनस्टेबल बना रहा है, और कोई अगर उसके चार्ज को कम कर रहा होगा तो वो उसको स्टेबल बना रहा है। अब यहां पर आपने पहले देखा कि CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करता है सामने वाले पर। तो यहां पे अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करता है, ये वाला CH3 भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करता है, ये वाला CH3 भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करता है, तो इसका मतलब पहले वाले जो बीच वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज ने उसको अनस्टेबल बना रखा है, और अब ये तीन CH3 जो पड़ोस में है ये और ज्यादा नेगेटिव चार्ज देके उसको और ज्यादा अनस्टेबल बना रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो पड़ोसी है इसमें भी दो CH3 अब
अपना प्लस आई इफेक्ट दिखाते हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच वाले कार्बन पे शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके कारण वो बीच वाले कार्बन का नेगेटिव और बढ़ रहा है और वो और ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। यहाँ पे ये एक सी एस थ्री इसको अनस्टेबल बना रहा है, मतलब कार्बोकैटायन का उल्टा केस है। वहां पे सी एस थ्री इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते थे, कार्बन पे पॉजिटिव था तो चार्ज कम होता था, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है तो ये सी एस थ्री अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कार्बन को और ज्यादा अनस्टेबल बना रहे हैं बाय द इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द इंक्रीमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सेंटर कार्बोएनायन, राइट। तो ये सबसे कम स्टेबल होगा 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ तीन लोग अनस्टेबल बना रहे हैं उसको, यहाँ पे दो बना रहे हैं तो ये इससे ज्यादा स्टेबल है। फिर ये 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये और ये और भी ज्यादा, राइट। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोएनायन का, लॉजिक एकदम सिंपल है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की। देखिए, फ्री रेडिकल तब बनता है जब कार्बन और सामने वाले बंदे में कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं हो। ऐसे केस में क्या होता है, अब दो इलेक्ट्रॉन ना तो अकेला कार्बन ले आ सकता है, ना दो इलेक्ट्रॉन अकेला ये वाई ले आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। ऐसे केस में सेंटर से ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, और इस तरह के मूवमेंट को हम फिश हुक एरो से शो करते हैं, और इस तरह के मूवमेंट में जो ब्रेकडाउन हुआ है वो कहलाता है होमोलाइटिक क्लीवेज, क्योंकि होमोलाइटिक क्लीवेज में इक्वल क्लीवेज होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और इसके बाद की स्थिति ऐसी बनती है कि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन और सामने वाला बंदा एक इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज कॉल्ड एज आवर फ्री रेडिकल। अब इसके टाइप्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं, जिस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो अगर अकेला है या एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री, दो से कनेक्टेड है 2 डिग्री, तीन से कनेक्टेड है 3 डिग्री, तो मैं उसको बना देता हूँ। तो जिस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है वो अकेला है या एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री फ्री रेडिकल, दो से कनेक्टेड है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और तीन से कनेक्टेड है 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अब दोस्तों, यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये तीन सी एस थ्री अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और शिफ्ट करके इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ ये दो सी एस थ्री कार्बन के नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक सी एस थ्री कार्बन के नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, और इस हिसाब से वो ऑर्डर लिख देते हैं कि ये सबसे कम स्टेबल है 3 डिग्री, फिर उससे ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री, उससे ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री, क्योंकि ये कंडीशन कुछ कुछ मैच करती है कार्बोएनायन से। कार्बोएनायन में भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ भी कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो मिसगाइड हो जाते हैं बच्चे और यहाँ पे गलती करते हैं, जबकि दोनों सिचुएशंस अलग अलग हैं। अब ध्यान से समझें, ऊपर कार्बोएनायन में अगर आप नोटिस करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गए हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गए हैं, कार्बन ने अपने कोवेलेंट बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रखे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, मतलब इस कार्बन के पास ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर आप फ्री रेडिकल वाले कार्बन पे फोकस करें तो 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 6 बना रखे हैं कोवेलेंट से, और यहाँ जो होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है उससे कार्बन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कार्बोएनायन में कार्बन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, एंड इन फ्री रेडिकल्स कार्बन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कंप्लीट ऑक्टेट का केस है 8 इलेक्ट्रॉन, और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और यही फर्क क्रिएट करता है। देखिए, अगर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इस नेगेटिव चार्ज के आने के कारण, ये जो ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हेटरोलाइटिक क्लीवेज से, उसके कारण जो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो अब उसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ ऊपर जब सी एस थ्री अपना प्लस इफेक्ट दिखाकर उस कार्बन को और इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था तो वो कार्बन अनस्टेबल हो रहा था, बट नीचे वाले कार्बन में फ्री रेडिकल में ये जो हमारे कार्बन है, ये वाला 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये कार्बन पहले से गरीब है। गरीब क्यों है, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहता है कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दे। दोस्तों, फिर से कार्बोएनायन में हमने देखा कि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका पेट भरा हुआ है, उसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, अगर और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो अनस्टेबल होगा। बट फ्री रेडिकल में क्या है, फ्री रेडिकल में जो हमारा कार्बन है वो 7 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। आप देखिए यहाँ पे
होमोलिटिक क्लीवेज से उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 शेयर कर लिए, एक होमोलिटिक क्लीवेज से आ गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो वो ये चाहता है कि कोई आकर के उसे थोड़े इलेक्ट्रॉन दे ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। इसीलिए ये 3CH3 जब 3 डिग्री फ्री रेडिकल में उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेंगे तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो थोड़ी बहुत पूरी होगी। हालांकि ये पूरे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो कंप्लीटली पूरी नहीं हो सकती, बट फिर भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे और वो उसको स्टेबल बनाएगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन इज द फर्स्ट टारगेट। यहाँ पर ये 2CH3 उसको इलेक्ट्रॉन देके उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे केवल 1CH3 हेल्प कर रहा है। तो 3CH3 की हेल्प करने के कारण उसका ऑक्टेट इन सब में सबसे ज्यादा भरा भरा सा फील होगा। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद फिर ये और सबसे कम ये। दोस्तों बस कंफ्यूजन का पार्ट यही होता है कि बच्चे कार्बो एनायन में और कार्बन फ्री रेडिकल्स में कंफ्यूज होते हैं। तो बस ध्यान रखें कार्बोनायन में कार्बन का पेट भरा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसलिए वहाँ पे 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल है। बट यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, गरीब है, भूखा है, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो 3CH3 जब इस 3 डिग्री में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये हमने ऑर्डर डिस्कस किया कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी का और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का। आप डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हैं कि कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम होती है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फ्री रेडिकल में भी सेम है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कार्बोएनायन में उल्टा होता है, 1 डिग्री इज द मोस्ट स्टेबल, देन लेस स्टेबल होता है 2 डिग्री और सबसे लेस स्टेबल होता है 3 डिग्री। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया 3 टाइप के इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल्स, और जाना कि इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है। आने वाले वीडियोस में हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में और बात करेंगे और टॉपिक्स को और एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।